हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां जिले में सोमवार से प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने की। जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर जिला कलेक्टर समेत सीईओ जिला परिषद अशोक असीजा, एडिशनल एसपी जस्साराम बोस, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सेनी, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति डिंगना इत्यादि ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में 10 जनवरी 2022 सोमवार से स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से अधिक आयु वर्ग के वे लोग जो गंभीर रोगों से पीड़ित है को कोविड वैक्सीन लगवाई जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में 8,681 स्वास्थ्य कर्मी, 13,696 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 1,75,915 व्यक्ति 60 से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें कोविड 19 की दोनों डोज लग चुकी है। इनमें 60 से अधिक आयु के उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाएगा जो गंभीर रोगग्रस्त हैं। में और युवाओं में बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिला और अब तक लगभग 60,000 बच्चों को हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। आज दिनांक 10 जनवरी 2022 से जिले में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई है। तो इसी क्रम में आज हमारे सीएमएचओ साहब, आरसीएचओ साहब, एडिशनल सीएमएचओ, मेडिकल की पूरी टीम और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं और जिनको 9 मंथ हो गए हैं, 39 वीक्स पूरे हो गए हैं, वो ये डोज ले सकते हैं। और मैंने भी अभी कोविशील्ड का ये प्रिकॉशनरी डोज लिया है। ये डोज पूर्णतः सुरक्षित है और जैसा हमने पहले भी महसूस किया कि इस डोज के लेने के पश्चात पहले तो इन्फेक्शन होता नहीं है और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो गंभीर लक्षण इसमें नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता नहीं देखने को मिल रही है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि सभी हनुमानगढ़वासी जो 60 साल से अधिक वर्ष के हैं और कोमोर्बिड हैं, उनको भी आज ये प्रिकॉशनरी डोज ले लेनी चाहिए। हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स अब आगे आ रहे हैं। पुलिस लाइन में भी हमने वैक्सीन की एक लगाने की टीम भेजी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ते समय फ्रंटलाइन वर्कर और बाकी सभी लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही वो टीम है जो अन्य सभी लोगों के जीवन की रक्षा करती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो इस महामारी से लड़ने में और जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसके मद्देनजर जिला हनुमानगढ़ की टीम पूरी तरीके से